हेलो फ्रेंड्स, आज आप सबका शारदा किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुजरात की स्पेशल हेल्दी रेसिपी जो विंटर में खाई जाती है। उसका नाम है रोटला और ग्रीन लहसुन का मावा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट। हम पहले बाजरे का रोटला बनाएंगे। हम बाजरे के आटे को गूंद के तैयार कर देंगे। बाजरे का आटा गूंद के तैयार हो चुका है। अब इसको दोनों हाथों की मदद से इस तरह से टिपके रोटले का आकार देंगे। ये ट्रेडिशनल स्टाइल से हम रोटला बनाएंगे। गांव में लोग इसी तरह से टिप के चूल्हे पे पकने रख देते हैं। आज हम चूल्हे की जगह स्टोव यूज करेंगे। आप देख सकते हो स्टोव पे हमने एक तवा रखा है, तो इसको थोड़ा बड़ा आकार बना के उस तवे पे हम पकने रख देंगे। ये हमने पकने रख दिया है। अब इसको थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहना है। जब तक पक नहीं जाता तब तक इसको पलटते रहना है। अब देख सकते हो इसके ऊपर अच्छा सा टेक्सचर आ रहा है, यानी ये रोटला पक रहा है हमारा। अब हमें 200 ग्राम जितना गुड़ लेंगे। गुड़ को सरी की मदद से बारीक टुकड़े कर देने हैं। ये रोटला हमारा तैयार हो चुका है और ऊपर अच्छा सा टेक्सचर भी दिख रहा है। हाथ की मदद से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। ये रोटले के टुकड़े हो चुके हैं, बारीक टुकड़े करने हैं हमें। अब इसमें हम गुड़ मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से हिला देना है ताकि मिक्स हो जाए प्रॉपर। हमने ग्रीन लहसुन के ऑलरेडी बारीक टुकड़े करके रखे हैं। इस ग्रीन लहसुन को हमने जो रोटला और गुड़ का मिश्रण बनाया है उसमें मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से हिला के मिक्स करना है। अब इस मिश्रण में हमें घी डालना है। घी हमें ज़्यादा मात्रा में डालना है। मिश्रण का कोई भी भाग घी के बिना सूखा नहीं रहना चाहिए, उतनी मात्रा में हमें घी डालना है। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये रोटला और ग्रीन लहसुन का मावा तैयार हो गया है। ये विंटर में खाई जाने वाली गुजरात की स्पेशल हेल्दी रेसिपी है। गांव में बूढ़े लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसको खाने में, ज़्यादा टेस्टी रहता है ये। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सभी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।